मलकापूर शहरातील अल्पसंख्याक समाजाचे नागरिक पारपेड मधील ताजनगर ईदगा प्लॉट इथं राहतात. या ठिकाणी नगरपालिका प्रशासनाकडनं दुजाभाव होत असल्याचं दिसून येतंय. पारपेड मधील ईदगा प्लॉट ताजनगर या ठिकाणी काही वस्त्यांमध्ये रोड नाही, गटारी नाही, त्यामुळं घरातील पाणी रस्त्यावर जमा होत असतं आणि त्या जमा झाल्याच्या पाण्यातून अनेक शाळकरी मुलं शिक्षण घेण्यासाठी ये जा करीत असतात. तसंच मुस्लिम बांधव नमाज पठण करण्यासाठी याच साचलेल्या पाण्यातून ये जा करतात. या परिसरात जनावर सुद्धा राहू शकत नाही, त्या ठिकाणी माणसानं कसं राहावं असा सवाल स्थानिक जनतेनं प्रशासनाला विचारलाय. आम्ही नगरपालिकेचा कर नियमाप्रमाणे भरत असतो, तरी प्रशासनाकडनं आम्हाला मूलभूत सुविधा देण्यास नगरपालिका प्रशासन असमर्थ ठरतंय. पारपेड भागातील अनेक वस्त्यांमध्ये घाणीचं साम्राज्य असल्यामुळं अनेकांच्या आरोग्यास हानिकारक दुर्गंधी पसरली आहे. अनेकांना डेंग्यू, मलेरिया, हिवताप यासारखे आजार होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्यानं नगरपालिका प्रशासन ॲक्शन मोडवर येणं गरजेचं आहे. याकरता अनेक नागरिकांनी निवेदनंसुद्धा दिली. मलकापूर मतदारसंघातील पारपेट भागातून आमदार राजेश एकडे यांना सर्वात जास्त मतं मिळाली. त्यांना विकास पुरुष अशी पदवीसुद्धा स्वमर्जीनं बहाल करण्यात आली. किंतु निवडणुकी अगोदर आमदार महोदयांनी पारपेटमधील प्रत्येक गल्लीमध्ये विकासाबद्दल आश्वासन दिलं होतं. सार्वजनिक प्रसाधनगृह, लाईट, गटारी, पिण्याची पाण्याची समस्या, रस्ते अशा अनेक प्रकारे विकास करून देऊ याचं त्यांनी वचन दिलं होतं. परंतु निवडून आल्यानंतर आमदार साहेबांनी त्यांचं वचन पूर्ण केलं नाही म्हणून अनेक वेळा नागरिकांनी आमदार साहेबांना आपल्या आश्वासनाची आठवण निवेदनाद्वारे करून दिली होती. परंतु अद्यापही पारपेटमधील वस्त्यामध्ये घाणीचं साम्राज्यच आहे. मेरा नाम रशीद खान नसीर खान है. मैं प्रभाग नंबर 8 का रहवासी हूँ. और मेरे घर के सामने एक नाली है, दोनों कब्रस्तान है. कब्रस्तान के बीच में से एक रास्ता आ रहा और रास्ते में जो नाली खोदी गई वो नाली इसलिए खोदी गई कि कब्रस्तान के अंदर कोई गाड़ी ना जाए. वो शादी ब्याह के जो लोग आते वो कब्रस्तान की जगह को वापर पार्किंग टाइप बना दिए थे और कुछ लोग रिकम में काम करने के लिए कब्रस्तान में मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे, इसलिए ये नाली खोदी गई. लेकिन कुछ रहवासी जो लोग आए पानी डाली, हाँ, तो कुछ रहवासी जो लोग आए उन्होंने कितना नाली अटैच करके ये नाली को गंदी कर दी गई और पानी बहता हुआ हमारे घर के सामने आ रहा है. वो लोग उससे हमको बहुत तकलीफ हो रही है. वार्ड का कोई वाली वसीला नहीं है. हमको इस बात को लेके आमदार साहब को बोला गया, नगर पालिका में निवेदन दिया गया, रहवासी नगर सेवकों को बोला गया, लेकिन इसका कोई निकाल अभी तक निकला नहीं. नगर पालिका में जाके हम रहवासी है उस जगह का हम टैक्स भर रहे. टैक्स भरने के बाद नल पट्टी जो भी है, जो भी नगर पालिका के टैक्स है, टैक्सेस है, हम सब कुछ भरे, लेकिन हमको अभी तक इसकी मूल भवन में कोई सुविधा मिल नहीं रही. यहाँ पे रोड नहीं, यहाँ पे नालियाँ नहीं, कचरा बहता सारे बहता. यहाँ पे स्कूल के बच्चों को जाने आने की तकलीफ, किसी का मौत मैयत हुई तो जनाजा वनाजा ले आने की तकलीफ, नमाजी लोगों को जाने आने की तकलीफ, हर बात की तकलीफ है यहाँ. लेकिन इसका कोई मसला क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहता हूँ कि ये जो नालियाँ है, नालियों को सही ढंग से बनाया जाए, इसको सही तरीके से निकाला जाए, ये इसकी साफ सफाई कराया जाए. और इसका समस्या आपके एरिया में नगर सेवक कौन चुन के आया हुआ है? हमारे एरिया में अभी तो फिलहाल कोई नगर सेवक नहीं है. नगर सेवक हमारे एरिया में जो चुन के आए थे शहजाद खान थे और इमरान मेंबर थे. अब तो उनसे बात किया आपने? हाँ, उनसे बात किया. क्या कहना है उनका? उनका कहना वो तो हमारे को समर्थन दिया उन्होंने, हमारे साथ में आने के लिए हमारे जो भी कॉपरेट करना था उन्होंने कॉपरेट किया उन्होंने. लेकिन आगे नगर पालिका में जो CO है वगैरह है, जो भी नगर पालिका में बैठे हुए लोग हैं, वो इस काम को होने नहीं देंगे. प्रतिनिधि अनिल कुमार गोठी, मलकापूर, जिल्हा बुलढाणा.